बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी देबू खान ब्यूटी टिप्स, वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप खुद ब्राइड हो या कोई इवेंट अटेंड करना चाहती हैं तो आज की रेमेडी जस्ट एक बार यूज़ करने से ही आपकी स्किन को फ्रेश कर देगी। जी जनाब, आपको मिलेगी एक ब्राइट और ग्लोई स्किन। तो जनाब, आज मैं आपको एक क्विक और इजी सा होममेड उपटन बनाना सिखाऊंगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड होने वाले हैं वो आपकी स्किन से रिलेटेड तमाम इश्यूज को कंट्रोल करेगा, एक आपको ग्लो मिलेगा। चलिए जनाब, आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं और जो जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड होने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और हर इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स भी आपसे शेयर करूंगी। जी जनाब, इस उपटन में जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला है वो है बेसन। बेसन जो है ये आपकी स्किन के एक्नी स्कार्स पर वर्क करेगा, स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, इसके अलावा डर्ट, पोल्यूशन, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड होगा वो होगा ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये एक्नी को कम करता है, एक्सिस ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन को सूद और सॉफ्ट बनाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड होगा वो होगा राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। राइस फ्लोर जो है वो स्किन को ब्राइट करता है, ग्लोई बनाता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इसके अलावा एक्नी को रिमूव करता है, कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, स्किन को नरिश और स्मूथ बनाता है। जी जनाब, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड होगा वो होगी कॉफी। कॉफी जो है वो एक्नी को कम करेगी, स्किन इन्फेक्शन पर वर्क करेगी, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को रिड्यूस करेगी, सनबर्न और सन टैन पर भी अच्छा वर्क करेगी। लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड होगा वो होगा टर्मरिक, यानी कि हल्दी पाउडर। हल्दी जो है वो आपकी स्किन में जो रेडनेस है उसको कम करती है, स्किन को इवन करती है, एक्नी स्कार्स, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है और सबसे अहम बात, ये कोलेजन को बूस्ट करती है। जी जनाब, आज की रेमेडी में जस्ट 5 इंग्रेडिएंट ही हमें चाहिए होंगे जो आपको इजीली मिल जाएंगे। ये एक क्विक और इजी सी रेमेडी होगी, एक क्विक और इजी सा होममेड उपटन होगा जिसको लगाने से आपको मिलेगी एक ग्लोई, फ्रेश, ब्राइट और फेयर स्किन। तो जनाब, अब हम आते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी की तरफ कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मिकदार में हमने लेना है। जी जनाब, ये मैंने लिया है बेसन, बेसन लिया है 1 स्पून भरकर। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर था ड्राई मिल्क, ये भी मैंने लिया है 1 स्पून भरकर। जनाब, थर्ड इंग्रेडिएंट है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने कितनी मिकदार में किस तरह स्पून जो है वो भर के लिया है, इस तरह 1 स्पून मैंने भर कर लिया है। अच्छा जनाब, कॉफ़ी जो है वो हमने इसमें 1/2 स्पून ऐड करनी है, जस्ट इतनी ही मिकदार में। अच्छा जनाब, लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। हल्दी आपने आम हल्दी यूज़ नहीं करनी, आपने कस्तूरी हल्दी यूज़ करनी है, जो साबुत हल्दी होती है वो लें, उसको पिसवाएं, वो यूज़ करें। अगर आप आम हल्दी यूज़ करेंगी तो वो स्किन पे स्टेन छोड़ेगी और वो उतरने का फिर नाम ही नहीं लेती। अच्छा जनाब, अब हम इन तमाम इन्ग्रीडियंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा जनाब, तमाम इन्ग्रीडियंट को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आपने एक एयर टाइट जार लेना है और उसमें इसको सेव कर लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो आपने हर इंग्रेडिएंट की मिकदार को डबल कर देना है, यानी कि अगर बेसन मैंने 1 स्पून ऐड किया है तो आप 2 स्पून ऐड कर सकती हैं। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि आपने इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। अगर आप अपने फेस, हैंड्स और नेक पर अप्लाई करना चाहती हैं तो आपने उतनी ही मिकदार में इसको लेना है। अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगी रॉ मिल्क, और अगर आपकी स्किन मेरी तरह ऑयली है तो आप ऐड करेंगी रोज वाटर, और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें जो इजीली आपके फेस पे लग जाए। अच्छा जनाब, अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे। इस तरह आपने पेस्ट की तरह फेस पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है। अच्छा जनाब, इस तरह आपने इसको अप्लाई कर लेना है। इसको आप डेली अपनी स्किन पे यूज़ करें और ठंडे पानी के साथ वॉश कर लें, बट हफ्ते में एक बार आप इसका अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करें ताकि स्किन जो है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए, डेड स्किन सेल्स वगैरह रिमूव हो जाए, और उसके बाद आप इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर लें।
इसके फर्स्ट यूज से ही आपकी स्किन जो है वो ब्राइट होगी, इंस्टेंट फ्रेश होगी, एक ग्लो जो है वो आपको मिलेगा। आप मुझे खुद इसकी फीडबैक देने पर मजबूर हो जाओगे। अगर आप ब्राइट है तो आज से ही इस उपटन को बनाना स्टार्ट कर दें। बाजार के उपटन लेके आते हैं, आपको नहीं पता कि वो इंग्रेडिएंट जो उसमें मेंशन है वो उसमें ऐड है भी या नहीं, बट जब आप अपने हाथों से घर में खुद बनाएंगी, अपनी आंखों के सामने बनाएंगी, तो आपको पता होगा कि आपने इसके अंदर सारे सेफ इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं। तो जनाब, कैसी लगी आज की मेरी रेमेडी? अगर आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इजाजत दें, फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।